नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति पटेल, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, जो अपनी सेवाएं वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के ब्रांच में दे रही हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन है और वो किन बीमारियों का निदान और उपचार करते हैं। लोगों को रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में जानकारी सीमित है। अक्सर हमें पता है कि अगर हमें छाती में दर्द हुआ तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, अगर खांसी है तो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन जब जोड़ों की बीमारियाँ होते हैं तो जहन में आता है कि हमें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को दिखाना है। अब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और रूमेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स सर्जन्स हैं जो जोड़ों का इलाज करते हैं सर्जरी से, यानी कि जिन जोड़ों की बीमारियों को ऑपरेशन और सर्जरी की ज़रूरत है तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं जोड़ों की जो मेडिकल डिजीज़ कहलाती है, यानी कि जोड़ों में सूजन होना, और उसे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसलिए हम रूमेटोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट है जो जोड़ों की बीमारियों का इलाज करते हैं मेडिसिन से, मेडिकली। जिन बीमारियों का हम इलाज करते हैं वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट और अन्य ऑटोइम्यून डिजीजेस। उसे हम कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं, जैसे लूपस या शॉर्ट फॉर्म में SLE, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस और अन्य अदर प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज़।